दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार प्राची और साथ में परिवार के साथ में किस तरीका से गद्दारी करेंगी रिया और आलिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि प्राची ने यह शर्त रखी थी कि अगर रिया अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगी तो मैं शादी करूंगी। तो इसीलिए रिया ने अपनी दोस्त डॉक्टर मधुरिमा से गलत चीज़ के लिए बोल दिया है कि तुम गलत रिपोर्ट तैयार रखना, जितने चाहोगे इतने पैसे मैं दे दूंगी। और उसके बदले में वाकई में मधुरिमा जो काम करने जा रही है वो बहुत ही घटिया। लेकिन दोस्तों वहीं पे ही प्राची, रणबीर की फैमिली भी मौजूद रहने वाली है। लेकिन दोस्तों आलिया और रिया को तो आप लोग जानते ही हैं कि किसी के भी आँखों में धूल झोंकना, किसी को मूर्ख बनाना, ये इनके बाएँ हाथ का खेल है। क्योंकि रिया और आलिया ने हमेशा से ही अपनी साजिश को जन्म दिया है। लेकिन एक बार फिर से सिड बोलता हुआ नजर आने वाला है फैमिली से कि रिया कुछ भी कर सकती है। हालांकि इस समय सिड की वजह से प्राची को बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है, बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि सिड की वजह से ही, क्योंकि सिड की बहन रिया और आलिया के कब्जे में है और इस चीज़ को प्राची जानती है। लेकिन प्राची सच इसलिए नहीं बता रही ताकि सेठ की बहन को कुछ हो ना जाए। वहीं सहाना का मानना यह है कि रिया का असली चेहरा हम लोग लाएंगे जरूर, थोड़ा समय लगेगा लेकिन लाएंगे जरूर। लेकिन वहीं आलिया और रिया ये बोलती हुई नजर आ रही हैं पल्लवी से, जो कि रणबीर की मोम पल्लवी से बोलती हुई नजर आ रही हैं कि जितना जल्द हो सके प्राची और सेठ की शादी करवा दो, उसी में ही इस घर की भलाई है। क्योंकि नहीं तो प्राची इस घर का नाम बदनाम कर देगी। और इस तरीका से प्राची पर बहुत गलत तरीका से एलिगेशन लगाते हुए नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोग जानते ही हैं कि आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए वाकई में अत्यंत दिलचस्प देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। गाइज थैंक यू सो मच।